खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, आरएनके केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन आरके होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। मैं हूं महेश पटेल और आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। हम आपको बता दें कि खंडवा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद आज यातायात विभाग की टीम ने स्कूली बस और ऑटो पर कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि खंडवा में स्कूली बसों में ओवरलोड बच्चे और बिना कागज के ऑटो घूम रहे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इन ओवरलोड और स्पीड गवर्नर नहीं होने के कारण यातायात पुलिस ने ऑटो और बसों को थाने लाया गया, जिसमें हम आपको बता दें कि स्कूली बसों में ओवर से ज़्यादा बच्चे भर कर ले जाते वक्त यातायात पुलिस के जवानों ने बसों को रोका, तो बस में ओवरलोड बच्चे इतने भरे हुए थे कि यातायात प्रभारी ने इन बसों को थाने लाया गया, जिसमें बसों में बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं कि इतने भरे हुए हैं कि हद से ज़्यादा बच्चे भर कर स्कूल ले जाते। कोई बड़ा हादसा हो जाए उससे पहले यातायात पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें ऑटो में भी आधी से ज़्यादा बच्चों को भर कर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान यातायात प्रभारी ने ऑटो बस और सवारी ऑटो पर कार्रवाई की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यातायात टीम द्वारा आज स्कूली बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने पर यह आया कि उनमें 70 से अधिक सवारियां बैठी थी यूनिक पब्लिक स्कूल की बसों में। दूसरा, उनमें महिला अटेंडेंट भी पाई गई है, पेनिक बटन उसमें नहीं पाए गए, उसमें दस्तावेज मौके पर उनके पास उपस्थित नहीं थे उस समय, और ड्राइवर वगैरह वर्दी में नहीं थे प्रॉपर। इस टाइप की चालानी कार्रवाई कर उनको थाने लाया गया है। सर, कितने वाहन हैं अभी तक? 4 बसें, 2 स्कूल मैजिक और 2 ऑटो की क्षमता अधिक बैठे उनको जब्त करके थाने में रखा है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी?